सो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो पिछले वीडियो में लाइक हम लोग इंट्रोडक्शन uh, देखा, uh, uh, like, uh, देखा था हमने गिट का थोड़ा थोड़ा लाइक कुछ दूर तक इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि कैसे गेट uh, काम करता है कैसे वर्जन वर्जन कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है तो आज हम लोग गेट uh, डाउनलोड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि गेट डाउनलोड में थोड़े थोड़े सबको प्रॉब्लम आ रही थी तो वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर uh, सबसे पहले हम लोग क्या करना है सिंपल क्रोम पे जाना है एंड गिट डाउनलोड लिख देना है ठीक है जहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको जाना है गिट डैश एस सी एम डॉट कॉम एंड वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा ठीक है तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो तो यहाँ पे आप जाके डाउनलोड जाओगे डाउनलोड पे एंड uh, यहाँ मैक ओएस को करना मैक ओएस का डाउनलोड करना है मैक ओएस का आ जाएगा विंडोज़ का डाउनलोड करना है विंडोज़ का आ जाएगा लिनक्स एंड यूनिक्स का करना है तो लिनक्स एंड यूनिक्स का आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे विंडोज़ पे जाना है एंड विंडोज़ पे जाके डायरेक्ट आप 64 बिट के लिए और 32 बिट के लिए डाउनलोड कर सकते हो ठीक है बट मिनट मुझे नहीं करना है कैंसिल कर पहले से ही तो, uh, डाउनलोड है ठीक है तो इसे डाउनलोड नहीं करना है बट अगर आपको कमांड लाइन से डाउनलोड करना है तो कमांड लाइन से डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले कमांड लाइन से डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है इसे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दिया लिख गे दिया गेट इंट्रो ठीक है एंड इसे मैं वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ आप कोई भी आईडी ले, ले सकते हो ठीक है तो आप कोई भी आईडिया ले सकते हो आप यहाँ पे जाके गेट इंट्रो ये हमारा फोल्डर है आप सिंपल जाके कंट्रोल शिफ्ट डैश जो स्लैश कहते हैं वन के आगे रहता है उससे आप जाके टर्मिनल पे जा सकते हो ठीक है या सिंपल आप जाके टर्मिनल भी क्लिक कर सकते हो न्यू टर्मिनल आ, क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा या कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पर जो, जो साइन दिख रहा है वहाँ से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो जो टर्मिनल आ गया ये हमारा पाथ है डेस्कटॉप और गेट इंट्रो का ठीक है अब मुझे लाइक मुझे कमांड लाइन से डाउनलोड करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्रीव इंस्टॉल गेट ठीक है यहाँ से क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा सिर्फ आप सिर्फ आपको करना है बी आर ई डब्ल्यू इंस्टॉल बी आर ई डब्ल्यू स्पेस इंस्टॉल स्पेस गेट ठीक है तो ये गेट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे ठीक है तो प्री इंस्टॉल गेट कर सकते हो सिंपल अगर मैं इसे इंटर करूंगा तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा बट मुझे खुद पे इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है अगर आपको बंटू पे करना है तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो s u d o sudo a p t a p apt dash g e t install get ये टू के लिए हो सकता है लाइक आप ओबन यूज कर रहे हो तो ओबन के लिए आप सूडो एपीटी डैश गेट गेट इंस्टॉल गेट तो यहाँ पे एंटर करने से आपको ओ पे आप डाउनलोड कर पाओगे ठीक है तो इसे आपका लाइक ओ पे इंस्टॉल हो जाएगा गेट ठीक है अब हम आ, कुछ कुछ गेट का कमांड आ, करते हैं सबसे पहले हमको गिट के पे वर्क करने से पहले हमें गिट इनिट करना होता है उसे इनिसलाइज करना होता है ठीक है जिससे हम लोग क्या करेंगे गिट पे आगे वर्क करने के लिए कुछ भी गिट को इनिस्लाइज करना पड़ता है तो गिट गिट इनिट कर दिया यहाँ पे ले देख सकते हो आप इनिशिलाइज गिट रिपोजिटरी इन ये पाथ दिया हुआ है यूजर्स में एचपी में डेस्कटॉप एंड गिट इन ट्रो डॉट गिट ठीक है अगर आपको अपना देखना है कि आपके में क्या क्या फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं तो आप एल एस कमांड यूज कर सकते हो तो एल एस कमांड में कुछ नहीं आया ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कमांड ही नहीं है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे git इंट्रो है कुछ मैंने यहाँ पे बना ही नहीं है तो यहाँ पे ये एल एस आ रहा है कुछ ही कुछ भी नहीं है ठीक है अगर मुझे यहाँ पे एल एस माइनस ए देते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे एरर दे रहा है जस्टमेट इज एम्बिगस पैरामीटर कैनोट बी प्रोसेस्ड जस्टमिट तो एक बार हम अपने फोल्डर पे एक्सप्लोर कर लेते हैं कि केवल हमारा फोल्डर में कुछ है या नहीं ठीक है जो हमने फोल्डर क्रिएट कर रखा है यहाँ पे फोल्डर में गए गेट इंट्रो पे गया गेट इंट्रो पे देख रहे हैं आप यहाँ पे आ, फोल्डर इम्पटी है ठीक है तो हम जाके यहाँ पे आ, एक कमांड लिखते हैं गेट इनिट ठीक है गेट इनिट करने पर री इनिशिलाइज एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटेड ठीक है क्योंकि हम पहले से इसे इनिशियलाइज uh, कर चुके हैं तो इसलिए ये फिर से री इनिशलाइज बोल रहा है ठीक है अगर मुझे यहाँ पे एक एक मैं क्रिएट करता हूँ एक uh, कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ जैसे मैं इंडेक्स डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट करता हूँ इंडेक्स डॉट टी एक्स टी एक फाइल क्रिएट कर लिया मैंने ठीक है तो ये इंडेक्स डॉट टी एक्ससी में अब मुझे क्या करना है अब गिट स्टेटस देखना है गिट स्टेटस इसे हम स्टेटस देख सकते हैं कि हमारा क्या भी आ, क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी क्रिएट हुए हैं वो उसका क्या स्टेटस है ठीक है थीके? तो गिट स्टेटस से है, आप देख सकते हो ऑन ब्रांच मास्टर ये तो मास्टर पे है जो डिफॉल्ट ब्रांच होता है हम और भी ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे अपने आ, आगे वाले वीडियो में नो no कमिटेड कुछ कमिट नहीं किया गया है अनट्रैक्ड फाइल इंडेक्स डॉट टी एच टी मतलब ये रेड में है ठीक है ये अन फाइल है अभी कमिट नहीं हुआ है इसलिए ये इंडेक्स डॉट टी एच टी रेड में है ठीक है नथिंग एडेड टू कमिट बट अन फाइल यूज गिट एड टू ट्रैक ठीक है आप इसको क्या कर सकते हो एड uh, करने के लिए सिंपल यहां पे लिख सकते हो गिट एड इंडेक्स डॉट टीएक् सिंपल आप यहां पे लिख सकते हो तो ये एड हो गया अब मुझे गिट स्टेटस देखना होगा गिट स्टेटस फिर से करता हूं तो ये देखिएगा uh, देखिए इंडेक्स डॉट टी एक्स टी ग्रीन में हो गया यानी ये अब लाइक uh, कमिट like, होने के लिए रेडी है ठीक है तो ये ग्रीन में हो गया पहले इंडेक्स डॉट टी एक्स टी जो था रेड में था क्योंकि वो ऐड नहीं हुआ था अब जो है ग्रीन में हो गया क्योंकि वो ऐड हो चुका है अब देख सकते हो इंडेक्स डॉट टी एक्स टी यहां पर आ गया है हम लोग फिर से एक बार बता देता हूँ गिट इनिट से इनस्लाइज होता है रिपोजिटरी गिट स्टेटस से हम लोग स्टेटस देख पाते हैं कि हमारे फाइल्स फोल्डर में क्या क्या चेंजेस आए हैं क्या क्या मैंने क्रिएट कर रखा है फिर गिट स्टेटस से यहाँ पे किया तो यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट टी एक्स टी हमने जो क्रिएट किया था तो वो क्रिएट हो गया फिर यहाँ पे हमने देखा गिट एड इं, उसे इंडेक्स डॉटी को हमने किया तो add, index कर दिया फिर गिट स्टेटस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रेड से ग्रीन चेंज हो गया यानी वो वो ऐड हो चुका है ठीक है अब एक चीज है जो हमें देखना है कि लाइक <collectors babes> <Coffee> लाइक मुझे गिट commit करना है लाइक मैसेज करना है गिट commit तो करना है विथ मैसेज करना है ठीक है गिट commit गिट कमिट माइनस एम मैं यहां पे अगर ये लिख दूँ क्रिएट इंडेक्स फाइल ये लिख देता हूं ठीक है गिट कमिट सी ओ डबल एम आई टी हाँ ठीक तो है ठीक है तो ये हम गिट uh, कमिट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है uh, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि uh, fa, uh, मास्टर रूट कमिट ये आईडी दिया हुआ है गिट क्रिएट फाइल वन फाइल चेंज जीरो इंसर्सन एंड क्रिएट मोड इतना एंड ये आईडी दिया हुआ है इंडेक्स डॉट ये क्रिएट हो चुका है कमिट हो चुका है कमिट का मैंने मैसेज क्या किया क्रिएट इंडेक्स फाइल मतलब ऐसे समझिएगा कि लाइक कोई फाइल कोई फाइल है जिसको मैं कमिट करना चाह रहा हूँ उस कमिट के साथ मैं उसको मैसेज करना चाह रहा हूँ कि ये किस चीज़ का है कि मैं बता समझ सकूं कि ये किस चीज़ का चेंजेस मैंने किया है या क्या मैंने क्रिएट किया या मैंने क्या बनाया है तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे मैसेज के थ्रू माइनस एवं क्रिएट इंडेक्स फाइल कर दिया ठीक है एंड उसके बाद मैं अगर यहाँ पे ये करूं कि लाइक मैं कुछ यहाँ पे लिख दू कि है वेलकम To my channel, channel, एंड यहाँ पे इस चीज को चेंजेस को मैंने मुझे अगर देखना होता है तो हम गिट डिफ यूज करते हैं डी आई डी आई डब्ल एफ ठीक है ये क्या करता है हमें पूरा चेंजेस दिखा देता है जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप यह डिफ गिडेक्स है यहाँ पे इंडेक्स है आईडी आई आई दिया हुआ है यहाँ पे इस आईडी का दिया हुआ है डॉट डॉट से मतलब और बड़ा आईडी होता होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो है वेलकम टू माई चैनल यहाँ पे लिखा है प्लस वेलकम टू माई चैनल ये हमने इसमें चेंजेस किए हैं तो गिट डिप से क्या होते हैं वो चेंजेस हमें दिख जाते हैं ये क्या करता है इट्सो ऑल योर चेंजेस इन योर इन योर फाइल्स और फोल्डर्स ठीक है तो अब मुझे लाइक uh, like अगर जो मैंने ये चेंजेस किया अब मुझे फिर से ऐड करना है तो हमने तो ये तो समझ लिया कि ऐड कैसे होता है ठीक है ऐड क्या कैसे करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को तो अब मुझे ऐड करना है गिट ऐड एक और तरीका मैं बताता हूँ तो जो क्या करता है एड सब चीज कर देता है जितने भी हमारे यहाँ पे चेंजेस होंगे ना वो सारे को ऐड कर देगा तो गिट एड सिंपल डॉट लिख सकते हैं तो इससे क्या होगा हमारे जितने भी चेंजेस रहेंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे तो गिट एड से एड हो गया एड एवरीथिंग एंड फिर मुझे कुछ कमिट करना है कुछ मैसेज के साथ गिट कमिट माइनस एम राइट वेलकम बस ऐसा करके कुछ लिख दिया मैंने ठीक है एंड इसे मैंने कमिट कर दिया तो वन फाइल चेंज वन एक इसमें insertion हुआ है अब अगर मुझे गिट डिफ देखना होगा तो तो ये देखते हैं देखिए जस्ट गिट स्टेटस देख लेता हूँ ठीक है तो वो तो हमें ज, सब चीज दे देगा और गिट स्टेटस देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास है क्या क्या नहीं है ये देखिए ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन ये मतलब अब क्लीन uh, है अब यहाँ पे हम लोग एड भी कर चुका है हमने तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स डॉट टी एक्स टी है एंड अब अब एक और कमांड होता है गिट लॉग गिट लॉग मेनली करता क्या है ना कि ये आपके जितने भी लॉग्स है ना वो शो करते हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हो गिट लॉग यहाँ पे मैंने दिया ये कमिट का ये आईडी है हेड मास्टर हेड में मास्टर एंड ऑथर जो इसका ऑथर है लाइक like मैं मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे एंड आई दिया हुआ है डेट दिया हुआ है और किस डेट में मैंने क्या कमिट किया है जैसे राइट वेलकम टू माई चैनल एंड उसके पहले मैंने क्या किया था क्रिएट इंडेक्स डॉट फाइल तो ये गिट लॉग से क्या होता है ना ये पूरा हिस्ट्री शो कर देता है ये पूरा लॉग्स हमें शो कर देता है कि हमने क्या कब लिखा है किस डेट पे लिखा है उसका आई क्या है इस आई से हम लोग ना उसे आ, देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गिट सी एच ई सी के इस आई को कॉपी कर लूँ check out Just वो कॉपी नहीं हो पा रहा है तो उस आईडी को हम यहाँ पर पे पेस्ट कर सकते हैं गिट चेकआउट से ठीक है एंड वो चेकआउट फिर हमें एक और चेंजेस करने होंगे तो वो भी गिट चेकआउट सिंपल सिंपल गिट चेकआउट लिखेंगे तो वो चेंजेस शो कर देगा तो इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे और भी फंक्शनलिटीज है गिट के उसके बारे में डिस्कस करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू